नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और अभी अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लगातार मिल रही लाशों ही लाशों के ढेर, कुदरत का रौद्र रूप देखिए लाइव। 23 लापता लोगों में महिला और बच्ची के शव बरामद हो गए हैं। वहीं दोस्तों अभी भी 16 लोगों की तलाश जारी है, वो लापता हुए पड़े हैं। जी हाँ साथी, बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी और बेहद दर्दनाक खबर सामने आ रही है। जब से गौरीकुंड हादसा हुआ है, एक के बाद एक लाश लगातार मिल रही है। उत्तराखंड में केदारनाथ बेस कैंप में गौरीकुंड में डाट पुलिया के पास 3 अगस्त की रात हुए भूस्खलन में लापता लोगों की तलाश कर रहे राहत और बचाव दल ने आज सुबह एक महिला और बच्ची का शव भी बरामद कर लिया है। और इससे पहले भी दोस्तों कई जो शव हैं वो बरामद हो चुके हैं। भारी बरसात के दौरान हुए भूस्खलन में 3 दुकानों में से 23 लोग पानी के सैलाब में बह गए थे। अब तक 7 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं और यह जानकारी जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने दी है। साथ ही बता दें कि जब से गौरीकुंड हादसा हुआ है, यहां पर पुलिस प्रशासन, आर्मी और NDRF SDRF की जो टीमें हैं तैनात हैं। एम्बुलेंस तत्काल वहां पर दोस्तों रवाना कर दी गई थी। और ये जो हादसा हुआ था ये रात्रि में हुआ था, और जो लोग थे दोस्तों एक होटल में यहां पर सो रहे थे। सबसे अत्यधिक जो हादसे के शिकार हुए हैं वो नेपाल के रहने वाले थे। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि DRF है, NDRF, SDRF है, YMF है और पुलिस और प्रशासन की टीमें 16 अन्य लापता लोगों की तलाश में फिलहाल जुटी हुई हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि रेस्क्यू अभियान के 9वें दिन सुबह एक बच्ची और महिला का जो शव है वो बरामद हुआ है। जो कुदरत है वो लगातार रौद्र रूप दिखा रहा है। राजस्थान में तो बारिश नहीं हो रही है, यहाँ पर बाजरे सूख रहे हैं। हर अपडेट चैनल पर मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। और किस राज्य और कहां से वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।